इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वन प्लस नॉट फोर में आप प्रोफेशनल कॉल सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल कॉल सेटिंग्स करनी है तो इस वीडियो को फुल देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रोफेशनल कॉल सेटिंग्स करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ले चलता हूँ फिलहाल अपने फोन डिस्प्ले पे और पूरी प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगी कैसे आपको ऑटो आंसर कर सकते हैं या फिर ऑटो को रिसीव कर सकते हैं या फिर और कई सारे फीचर्स होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और ले चलता हूँ फिलहाल अपने फोन डिस्प्ले पे। सिंपली यहाँ पे कॉल वाला एप्लीकेशन आपको दे रहा है, कॉल वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा और ये वाला एप्लीकेशन आप में शो नहीं होगा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे मैं बता दूँ कैसे आप यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग या फिर अनाउंसमेंट होती है ना कॉल में वो भी आप कैसे बंद कर सकते हैं। मैं वीडियोस बना दिया हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे सिंपली इनेबल करने को यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करना और सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं सो रहा होगा, लेकिन इसका भी मैं बता दिया हूँ कि इस वाले एप्लीकेशन को आपको कैसे लाना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चेकआउट कर लीजिए। फुल वीडियोज देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हूँ। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट में डायल वाले पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप डायलर सेट कर सकते हैं, जो भी आपका फर्स्ट डायल सेकंड डायल थर्ड वाले पे नंबर को ऐड कर सकते हैं अच्छी तरह से, जिस भी नंबर को आप करना चाहते हैं ऐड। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में आंसर इन कॉल तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ऑप्शन दिख रहा है ऑटो आंसर कॉल वेन बी कनेक्टेड टू इंटरनल ऑडियो डिवाइस, तो सिंपली इसे इनेबल कीजिएगा। और इसे इनेबल करने से ये फायदा हो कि यहाँ पे आपका अगर ब्लूटूथ यूज़ कर रहे या फिर ईयरफोन यूज़ करे ऑटोमेटिक वो कनेक्ट रहेगा, तो ऑटोमेटिक जो कॉल आता है वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा, तो आप इसे इनेबल कीजिएगा। तो सिंपली इसे इनेबल कर लीजिए और यहाँ पर डिले ऑटो आंसर इस पर क्लिक कीजिए तो कितना सेकंड में रिसीव होगा वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू इन कॉल जैसे इसे इनेबल कीजिएगा। इसे इनेबल करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ पर जब भी आप कॉल कर से बात कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं तो पावर बटन प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा, तो इसे इनेबल मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों को इनेबल कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे स्वैप टू अप टू आंसर तो इसे इनेबल कीजिए। ऊपर डायरेक्शन आपको दिखाया जब भी इनकमिंग कॉल आती है तो आप उसे रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आइएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग दिख रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए तो तीन ऑप्शन आएगा यहाँ पे, रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर, उसके बाद रिकॉर्ड अननोन नंबर, रिकॉर्ड ऑल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपना जो भी कॉन्टैक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट हो उसे आप चूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के तहत। और उसके बाद यहाँ से बाइक आ जाए तो यहाँ पे सेकंड में आपको रिकॉर्ड अननोन नंबर सिंपली इसे भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे रिकॉर्ड ऑल कॉल दिख रहा हो इसे भी इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारा का सारा कॉल रिकॉर्ड होगा और बीच वाले में जो रिकॉर्ड अननोन नंबर है उसमें जो सिर्फ सेव आपके फ़ोन में नहीं रहेगा वो नंबर आपको सिर्फ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक एस फिल्टर इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट नंबर है जो भी आपको दिखाया जो ब्लॉक किए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉकेड कॉल है जो भी आपका ब्लॉक कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक ऑल कॉल, ब्लॉक ऑल अननोन नंबर कॉल, ब्लॉक वन रिंग कॉल, उसके बाद ब्लॉक कॉल प्राइवेट नंबर, उसके बाद ब्लॉक कॉल बाई रीजन, यहाँ पे इस तरह का सेटिंग्स आप कर सकते हैं। सेम टू में भी सेम टू सेम यूज कर सकते हैं, अगर सेट वन में करते हैं तो ये चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बाइक आइएगा और यहाँ पे ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग्स दी हुई है कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेडिंग, एडिशनल सेटिंग्स पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद मोर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो फ्लैश ऑन कॉल ये इनेबल कीजिएगा तो जब भी आपका कॉल आएगा वो फ्लैश लाइट वो ब्लिंक करेगा, तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं आपके लिए अच्छी हुए। और इस तरह यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं प्रोफेशनल कॉल सेटिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिए।